नमस्कार आदाब, देख रहे हैं आप एमको न्यूज। मेरे संग में मोहम्मद शब्बीर। अभी मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे स्टैंड रोड बाबूघाट में। जिस तरीके से हम लोगों ने कल भी आपको बहुत सारे वीडियो में दिखाया हो कि जिस तरीके पानी का स्तर काफ़ी ऊपर आ गया था। कल जो बारिश नहीं हुई थी, कलकत्ता शहर में बहुत कम बारिश हुई थी, मगर आज इस वक्त काफ़ी तेज सुबह से ही बारिश हो रही है, रुक रही है। करीबन ये जो बारिश का जो सिलसिला करीबन आज सुबह से ही चले आ रहा है। जैसे कि हम लोगों ने आपको कुछ देर पहले भी अपने एक अपडेट दिया होगा, तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बारिश की अपडेट बारिश हो रही है। मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ लाइव, अब ये बाबूघाट का ये लाइव है। आप देख सकते हैं पानी जो है, अपना पानी का बहाव, बारिश भी हो रहा है। अब किस तरीके से, जिस तरीके से हमेशा नॉर्मल डे में जिस तरीके से पानी का जहाज इधर से उधर जाता है, मगर हाई अलर्ट होने के वजह से कोई भी पानी के जहाज जो है मतलब जो उतर के सफ़र नहीं कर रहा है, अपने वहाँ पे रख दिया गया है, वो जगह पे बांध दी गई है कि कोई भी पानी का जहाज पानी में सफ़र ना करे। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सुबह से ही बारिश हो रहा है, तो बराए मेहरबानी आप लोग बाहर ना निकले, घर पर रहें, सेफ रहें। और जहाँ पर वाटर लॉगिंग हो तो आप लोग वहाँ पर जो मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर का नंबर दिया गया है, मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर का नंबर दिया गया है, तो वो नंबर में कॉल करें। कहीं पर भी आपको नेकेड पोल या कोई सा भी खुला तार आपको दिखे तो CSC का भी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप लोग उसमें संपर्क करके उनको बता सकते हैं। किसी किस्म की जल्दबाजी ना करें, कहीं पर भी आपको खुला तार दिखे तो उसको छुए ना, उसको आप कहीं ना CSC वाले को कंप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर खुला तार है। तो बड़ा ही मेहरबानी, आप लोग घर से बाहर ना निकले, घर पर रहें, सेफ रहें, सतर्क रहें और हमको न्यूज़ के संग में बने रहें लाइव अपडेट के लिए। और आपको मैं एक बात बता दूं नाज़रीन कि हम लोग यूट्यूब में भी है, जो है यूट्यूब भी हम लोगों का चल रहा है, साथ ही साथ आप यूट्यूब में भी जाकर सर्च कर सकते हैं एमको न्यूज़। वहाँ पर भी जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हम लोगों को यूट्यूब में भी सपोर्ट करें। ऐसे ही लाइव अपडेट के लिए बने रहें एमको न्यूज़। हिंदी के संग कैमरामैन इरफान, मैं मोहम्मद शब्बीर, धन्यवाद।